जय हिंद दोस्तों। अभी हम चर्चा करने वाले नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार आपके एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल पूछेगा, दो बेस बनाता है करंट अफेयर का बेस। इस बेस से आपको पता होना चाहिए क्या क्या सवाल आने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले नोबल पुरस्कार 2020, किसको क्या मिला, किसने क्या खोजा। वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, समस्या नहीं आएगी। छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, एग्जाम में समस्या बढ़ जाएगी। देखो, सबको पता है कि नोबल पुरस्कार विश्व के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इसका जो थे स्वीडिश आविष्कारक उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, उसके ब्याज पे ये नोबल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, ये प्रतिवर्ष कौन कौन से टॉपिक को दिया जाता है? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, मानवता के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए नोबल पुरस्कार बांटा जाता है। स्टूडेंट, ये बात पता होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं भौतिक का। वर्ष 2020 के लिए भौतिक का नोबल पुरस्कार ब्लैक होल की हमारी समझ को आगे बढ़ाने हेतु तीन वैज्ञानिकों को दिया गया। ब्लैक होल क्या होता है? जब एक तारा विस्फोट हो जाता है तो वहां पे ब्लैक होल का निर्माण कर लेता है। उसकी जो डेंसिटी होती है, द्रव्यमान होता है, बहुत ज्यादा होता है। स्टूडेंट, नाम अभी हमको ब्लैक होल पे नहीं जाना है। हम समझ लीजिए कि ब्लैक होल का जो एक खोज किया है ना, ब्लैक होल को और डिस्क्राइब किया, तो भौतिक के लिए ब्लैक होल के लिए दिया गया। पर तीन वैज्ञानिकों के नाम आपको याद करना है, रोजर पेन रोज, रेनहार्ड गेन जेल, एंड्रिया गेज। इसको आपको अच्छे से मन लगा के चार बार कॉपी में लिख के याद करना है कि भौतिक के लिए नोबल पुरस्कार तीन वैज्ञानिकों को दिया गया। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, आगे देखेंगे कि जर्मन रेनहार्ड रेनगेल्स और अमेरिकन एंड्रिया गेज और रोजर पेन रोज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया। हमारी आकाशगंगा केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उसके खोज के लिए दिया गया नोबल पुरस्कार। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, हम तैयारी कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि भौतिक के लिए नोबल पुरस्कार इस वर्ष किसे दिया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। स्टूडेंट, खांसी को थोड़ा अवॉइड करना। मैं एडिटिंग में जितना खांसी हटा सकता हूं हटा दूंगा, बाकी आप देखेंगे। टॉपिक रसायन विज्ञान। फ्रांस के इम्यूएल चारपेटियर है ना, इम्यूएल चारपेटियर को संयुक्त राज्य अमेरिका की जेनिफर ए डेडेना को जीन तकनीक के सबसे तेज उपकरण है ना, सबसे तेज उपकरण में से एक क्रिस्पर कैश 9 आणविक कैंची विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान 2020 में नोबल पुरस्कार दिया गया। यह पहली बार है किसी नोबल विज्ञान पुरस्कार की किसी महिला टीम को दिया गया। बिल्कुल, ये याद करके चले, रसायन के लिए किसे दिया गया? ई मैनुअल चारपेटियर, ठीक है, इसे दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की जेनिफर ए डेडना को जीन तकनीक की सबसे है ना तेज उपकरण, संयुक्त राज्य अमेरिका की है ना सबसे तेज। जीन क्या होता है? जेनेटिक के लिए एक आणविक कैची का निर्माण किया गया, इसके लिए दिया गया। नाम आपको पढ़ना है, नाम थोड़ा सा कठिन है स्टूडेंट, पर नाम आप याद करके चलेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टूडेंट, आगे देखते हैं। चलो, क्या किए इम्यूनल चारपेटियर एवं जेनिफर ए डेडना द्वारा विकसित क्रिस्पर कैश 9 की जेनेटिक सीजर्स कैची का उपयोग जानवर, पौधे, सूक्ष्म जीव है ना, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलते हैं उसको, डीएनए को अत्यधिक उच्च सटीकता के साथ बदलने के लिए किया जाता है। इस तकनीक ने कैंसर उपचार में योगदान दिया। तो बिल्कुल नाम याद रख करके चले, इम्यूअल
चारपेटियर है ना, एवं जेनिफर ए डे डना, ठीक है। ये नाम आपको अच्छे से याद करके चलना है स्टूडेंट, सवाल पूछेगा। आगे चलते हैं बच्चों, शांति, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार हर समय पूछता है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य प्रोग्राम, क्या बोलते हैं, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। कोरोना के समय बहुत मदद किया, खाने पीने को लेके, भूखमरी को लेके, बहुत परेशानी को लेके, इसलिए से इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगर एक सवाल मन में आता है कि सर विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब की गई, तो 1961 में की गई थी विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान में रखिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में इसका मुख्यालय है स्टूडेंट। और ये भी याद रखिए कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का संचालन एक कार्यकारी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें 36 सदस्य देश है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको नोबेल पुरस्कार की दृष्टि से ये देखना है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। सॉरी, आगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। वर्ष 2020 के लिए अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल मिलिग्रोम एवं रॉबर्ट विल्सन को वाणिज्यिक नीलामी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इकोनॉमिक का नाम आपको याद रखना। इस साल सॉरी, कई लोगों को संयुक्त रूप से ही नोबेल पुरस्कार दिया गया स्टूडेंट, ठीक है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो अर्थशास्त्र पे था वो 1969 पे नोबेल पुरस्कार के रूप में चालू किया गया था। 51 बार अभी तक दे दिया गया है, 51 बार। ये याद रखिए स्टूडेंट, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये PDF पे पढ़ लीजिए, जो मेन टॉपिक है वो समझा रहा हूँ। आगे चलेंगे बच्चों। अच्छा, मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करना ना। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, संयुक्त राज्य अमेरिका की कवियत्री लुइस ग्लुक, नाम पढ़ लीजिए, लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। लुइस ग्लुक को नोबेल पुरस्कार उनकी अचूक काव्यात्मक स्वर जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है के लिए प्रदान किया गया, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, आपको याद रखना है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था लुइस ग्लुक को। और आप इसमें ज़्यादा पढ़ना है तो PDF पे पढ़ लीजिए, समय है आपके पास। तो मेरा काम मेन मेन वो नाम बताना जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आपको PhD नहीं करना है स्टूडेंट, पर डिटेल जरूर याद रखिए, डायरेक्ट नाम आता है आपके एग्जाम में, सीधा नाम ही पूछेगा कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, और कुछ नहीं पूछेगा, तो डायरेक्ट याद करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये साहित्य तक ही हमने बनाया था वीडियो को। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको कम से कम नोबेल पुरस्कार की जानकारी होना चाहिए, कम से कम नाम पता होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर के सेक्शन से ये सीधा सवाल पूछेगा, ठीक है। सॉरी, इसको अवॉइड करिए खांसी को, और ये आप अच्छे से याद करके चले बच्चों, ये सवाल आपके एग्जाम में 100% आने वाला सवाल है। वीडियो को आराम से देखें, अपने कॉपी में नोट्स जरूर बना ले, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको पता है कि क्या करना है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू मेरे बच्चों, बाय।